अंतर्मुखी, ये वर्ड अच्छा तो लगता है हमको, तो एकाग्रता और एकांतवासी, और उसका उसके साथ कनेक्टेड है अंतर्मुखता के। तो बाह्य मुक्ता पहले क्या है, बाहर जो दिखाई देता है उसके बेसिस पे हम समझते हैं, जैसे कोई का चेहरा खराब डाउन है और उसके बेसिस पे हम एनालिसिस डिसाइड करते हैं, जजमेंट दे देते हैं, तो ये बाह्य मुक्ता है। ये ना कभी स्टेटस पोजीशन इसके बेसिस पे अपना इम्प्रेशन डिसीजन, ये सब बाह्य मुक्ता है। और अंतर्मुक्ता भाव एंड भावनाओं से को समझते हुए जो डिसीजंस होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। तो भाव एंड भावनाएं, तो उसके लिए उसमें अंतर्मुक्ता में भी कभी भी हमारी प्लानिंग डायरेक्शंस हमारे ऑन द बेसिस ऑफ दूसरा, मुझे दूसरा क्या उसके बारे में कह रहा है वो कभी भी ना हो। जे अंतर अगर बाह्य मुखी है ना, सपोज आपने मुझे किसी के लिए कुछ कह दिया, तो मेरा डिसीजन उसके लिए इनर ऑन द बेसिस ऑफ आपने जो मुझे कहा। और अगर आप मेरे से बहुत नजदीक वाले हो तो उसके हिसाब से अपना पूरा डिसाइड करना है, और फिर मैंने उस बेसिस पे निर्णय लिया, तो मतलब नेक्स्ट निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति में स्वयं के दिल की गवाही होनी चाहिए, नॉट आपने जो कहा। तो मतलब मुझे किसी और का निर्णय मेरे द्वारा नहीं आए, मतलब आप मेरे द्वारा निर्णय कर रहे हो, करा रहे हो, पर हिसाब किताब मेरा जाएगा, इन्फ्लुएंस हुई आपके, प्रभाव आपका हुआ। तो ये भी एक्चुअली खुद उस समय 2-3 बार ऐसा देखा मैंने, किसी के कहने से वो डिसीजन किसी आत्मा के लिए फील करना सोचना, खुद को बहुत रॉन्ग फील हुआ, भारीपन फील होगा उसमें, क्योंकि उसने कहा। एक तो जो व्यक्ति जो भी आत्मा कह रही है उसके अपने कितना अकाउंट है, कर्म हिसाब किताब, और अपने संस्कार है कितने समय के, उस बेसिस पे उसकी जजमेंट है किसी के लिए, और मैं वो जजमेंट को बना लूं अपना। इसलिए अंतर्मुखी मतलब अपने दिल की गवाही, बाबा एकदम स्वच्छता, बाबा और ज्ञान के बेसिस पे जो गवाही होती है, और खुद की सच्चाई से, सच्चाई सफाई से। तो जितनी हमारी इस तरह की स्वच्छता और पवित्रता है और वृत्ति स्वच्छ, बाबा ने कितनी अच्छी बात कही 26/3/93 संडे की मुरली की, गलत को समझना एक बात है, समाप्त करना, नॉलेजफुल और पावरफुल समाप्त करना, ये हमने 2 साल पहले बहुत अभ्यास किया था अगर आपको याद है, शक्तियों में समझना और समाप्त करना हमने, ये भी तो समझना है, ठीक है उसका व्यू पॉइंट है, उसके साथ ऐसा हुआ है, पर समाप्त करना, एक बार गलती समझी सुनी, उसके बाद दूसरी बार मुझे चिंतन चला, हम अपना ही चेकिंग करते कि उसमें कभी कभी आ सकता है, आ जाता है, फेल हो जाते हैं, ये भी पावरफुल नहीं है, चिंतन चला ना आपने बताया या उस बेसिस पे। तो ये है एकदम स्वच्छ अंतर्मुखी, खुद के दिल की, बाबा के ज्ञान के बेसिस पे। तो वृत्ति एकदम स्वच्छ क्लीन रही, एटीट्यूड, एटीट्यूड क्लीन, क्या लगता है? तो जितना अंतर्मुखी उतना एकांत प्रिय, ये सारा कचरा ही तो भर जाता है ना बाह्य मुखी का फीलिंग्स में, तो उतनी मनन शक्ति हमारी पावरफुल है।
तो पता है ना अंतर्मुखी मनन शक्ति, तो ये सब देखना है। किसी ने कुछ भी कहा, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना। कभी हमारे फेवर में कोई बहुत होता है, फिर वो कुछ कह देता है ना, हाँ राइट बात है, पर वो है किसी की गलती, पर हमने कहा राइट बात है। तो इसलिए ये पुरुषार्थ करेंगे एकदम एकांत प्रिय, एक के अंत में। इसलिए हमारे सारे अंदर की भावनाएं, भाव और भावनाएं, कौन सी डेट की, 10 दिसंबर की मुरली याद है सभी को, भाव एंड भावनाओं की, बहुत अच्छे से स्टडी करो उसको। तो एकदम बाबा के अकॉर्डिंग चले, वृत्ति में किसी की भावनाएं नहीं अंदर जाए, ये ऐसा है वो वैसा है, एक के अंत में जाने का अभ्यास। कैसा लगा कल सबको भ्रुकुटी रूपी गुफा में विराजमान? हाँ बहुत अच्छा लगा हमको, तो करते करते कर्म करते एकदम गुफा में चले गए, चार्जिंग हो जाती है। तो एक के अंत में ये है, एक मैं आत्मा या बाप, यही दो एक है। तो या तो आत्मा के अंत में चले जाए या बाप के अंत में चले जाए। इसलिए मुझे लगता है शाम का अगर सभी योग करते हैं तो हम खाली अंत में जा रहे हैं, बहुत एक्टिविटी बेस्ड मेडिटेशन। ये इनिशियल स्टेजेस के लिए अच्छा है, क्योंकि एक्टिविटी की आदत है, मैं परम धाम गई, फिर बाबा से दृष्टि ली, फिर मेरे संस्कार विनाश हुई, फिर सूक्ष्म वतन में आई, फिर दृष्टि ली, फिर मतलब एक्टिविटी एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन एकदम एक के अंत में एकाग्रता वाला योग नहीं करते हो तो जरूर करें फिर ये वाला पुरुषार्थ, ठीक है। बाबा सामने एंड दृष्टि लेते, अंत में खोना, ये भी 10 बार कर रहे। वो डॉक्टर दे देता है ना प्रिस्क्रिप्शन 1:1:1, हम सोचते हैं ठीक है ना, मैं तो 3 ही गोली लूंगी, ठीक है ना, वो देने वाला दे देता है प्रिस्क्रिप्शन 10 टाइम। ऐसा ना हो ये, ठीक है, सभी करते हैं, नहीं करते तो जरूर करें। कर रहे हैं सभी ऑनलाइन?